frequency meter, the meter which are used in the circuit to indicate the frequency of the supply are called frequency meters. यानी कि फ्रिक्वेंसी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी सर्किट में सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है. द फ्रिक्वेंसी मीटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पे फ्रिक्वेंसी मीटर को मेन रूप से तीन टाइप से क्लासिफाई किया जाता है. उसमें पहला है मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर, दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर और तीसरा है वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. द मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर. जो मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर है उसे वाइब्रेटिंग रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर भी कहते हैं और जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर है उसे फेरोडायनामिक फ्रिक्वेंसी मीटर भी बोलते हैं. आपके सिलेबस में फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर और वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर यही दो पढ़ना है. तो आज हम सबसे पहले फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ेंगे. फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए लेमिनेटेड आयरन कोर. हम कंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं तो फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर के कंस्ट्रक्शन में एक लेमिनेटेड आयरन कोर होता है. लेमिनेटेड कहने का मतलब है कि इसका कोर पतली पतली परतों में बांटा हुआ रहता है. ऑन वन एंड ऑफ द कोर, कोर के एक एंड पे ए फिक्स्ड कॉइल इज वुंड विच इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग कॉइल. यानी कि उस आयरन कोर के एक एंड पे एक फिक्स्ड कॉइल वुंड किया हुआ रहता है जिसे कि मैग्नेटाइजिंग कॉइल बोलते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो चाकू टाइप का जो शेप में है वही आपका आयरन का कोर है जो लेमिनेटेड है और उसके एक एंड पे राइट साइड वाले एंड पे एक मैग्नेटाइजिंग कॉइल उंड किया हुआ है. द कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड. और उस मैग्नेटाइजिंग कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है. दिस कॉइल कैरीज करेंट विच हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ सप्लाई. इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है. ऑन द सेम कोर, उसी कोर पे ए मूविंग कॉइल इज पिवोटेड विच कैरीज ए पॉइंटर. यानी कि उसी आयरन कोर पे एक मूविंग कॉइल भी पिवोटेड होता है, किलित होता है जिसमें कि पॉइंटर लगा हुआ होता है. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में कि वो जो नाइफ टाइप का जो शेप है चाकू टाइप का उसके राइट हैंड साइड पे एक मैग्नेटाइजिंग कॉइल है जो कि सप्लाई से कनेक्टेड है जिसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है और जो लेफ्ट साइड पे एक मूविंग कॉइल कनेक्टेड है. एक कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द फिक्स्ड कॉइल. फिक्स्ड कॉइल के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक कैपेसिटर सी कनेक्ट किया गया है. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉइल था उसके दाहिने साइड में मैग्नेटाइजिंग कॉइल है और बाएं साइड में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और बाएं साइड में ही एक मूविंग कॉइल भी कनेक्टेड है जिसमें कि पॉइंटर लगा हुआ है. लेट आई इज इक्वल टू करंट थ्रू मैग्नेटाइजिंग कॉइल. मान लेते हैं अभी हम इसका ऑपरेशन देख रहे हैं, कार्य कैसे करता है फ्रिक्वेंसी मीटर उसके बारे में. लेट आई इज इक्वल टू करंट थ्रू
मैग्नेटाइजिंग कॉइल, जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल है उसके थ्रू मान लिया जाए कि करंट आई कैपिटल आई फ्लो कर रहा है। फाई इजकल टू फ्लक्स इन द आयरन कोर, और आयरन कोर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे मान लिया गया है फाई। द फ्लक्स फाई इज एज्यूम्ड टू बी इन फेज विथ करंट आई, यानी फ्लक्स फाई को माना गया है कि वो जो करंट आई के साथ सेम फेज में है। दिस फ्लक्स इंड्यूसेस द वोल्टेज इन द मूविंग कॉइल, इस फ्लक्स के कारण जो मूविंग कॉइल है उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है जो कि फ्लक्स से 90 डिग्री से लैग करता है। और मान लिया है कि स्मॉल आई जो है वो मूविंग कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल आई। द फेज ऑफ द करंट स्मॉल आई डिपेंड्स ऑन द इंडक्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल, यानी उस मूविंग कॉइल के इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। सिर्फ मूविंग कॉइल के इंडक्टेंस पे ही नहीं बल्कि मूविंग कॉइल के इंडक्टेंस और कैपेसिटर सी इन दोनों पे डिपेंड करता है वो स्मॉल करंट स्मॉल आई का फेज। स्मॉल आई का जो फेज है वो डिपेंड करता है मूविंग कॉइल के इंडक्टेंस और कैपेसिटर सी पे। कंसीडर द डिफरेंट केसेस, हम तीन कंडीशन पे कंसीडर कर रहे हैं जिससे कि तीन फेयर डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है वर्किंग मीटर के वर्किंग को समझने के लिए। यहाँ देखिए ये तीन फेज डायग्राम है जिसमें कि जो फिगर ए है उसमें कैपिटल आई और कैपिटल आई है जो कि मैग्नेटाइजिंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपिटल आई है, और जो उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फाई है जो कि दोनों सेम फेज में है, और उसके कारण मूविंग कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ई वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तीनों ही केस में ये आई और ई के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और जो मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है स्मॉल आई वो ई से फर्स्ट केस में अल्फा एंगल से लैग कर रहा है, क्योंकि ये जो फिगर ए है वो इंडक्टिव सर्किट के केस में है, जब इंडक्टेंस का वैल्यू हाई रहेगा उस केस में तो उस केस में जो करंट है वो अल्फा एंगल से मान लिया जाए कि लैग कर रहा है, और सेकंड केस में वो सर्किट कैपेसिटिव बन जाता है मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ये स्मॉल आई का वैल्यू मान लेते हैं कि बीटा एंगल से लीड कर रहा है। और जो तीसरा केस है उस केस में आई का वैल्यू आई और ई दोनों सेम फेज में हैं, ठीक है। इन फिगर ए, जो फिगर ए है उसमें द सर्किट ऑफ मूविंग कॉइल ए इज एज्यूम्ड टू बी इंडक्टिव, जो फिगर ए है जो फेयर डायग्राम में फिगर ए जो दिखाया गया था उस फिगर में जो सर्किट है उसे इंडक्टिव एज्यूम किया गया है, इसलिए जो स्मॉल आई था वो अल्फा एंगल से लैग कर रहा था। हेंस करंट आई लैग्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज ई बाय एंगल अल्फा, यानी कि इसलिए इंडक्टिव सर्किट होने के कारण जो स्मॉल आई है वो इसकी तुलना में अल्फा एंगल से लैग कर रहा है। हेंस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मूविंग कॉइल इज गिवन बाई, यानी कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है फेरोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आई वन इंटू आई टू और इंटू उन दोनों करंट के बीच जो एंगल होता है उसके कॉस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में हमारा जो दो करंट है वो एक कैपिटल आई है एक स्मॉल आई है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो फर्स्ट केस में आप देखिए कि दोनों के बीच कैपिटल आई और स्मॉल आई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस अल्फा है, इसलिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है
फर्स्ट केस में, उस केस में होगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस अल्फा। इन फिगर बी, जो बी वाला फिगर था, द सर्किट ऑफ मूविंग कॉयल ए इज एज्यूम्ड टू बी लार्जली कैपेसिटिव। उस केस में ये एज्यूम किया गया है कि सर्किट कैपेसिटिव है। हेंस करंट आई लीड्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज ई बाई एंगल बीटा। इसलिए जो करंट आई है वो बीटा एंगल से इंड्यूस्ड वोल्टेज ई से लीड करेगा। हेंस द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मूविंग कॉइल, जो मूविंग कॉइल पे जो टॉर्क लगेगा वो इस केस में हो जाएगा कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा, जो कि आप फिगर से देख सकते हैं कि कैपिटल आई और स्मॉल आई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस बीटा है। इसलिए ये टॉर्क का इक्वेशन भी कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा होगा। दिस टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ इंडक्टिव नेचर ऑफ द मूविंग कॉइल सर्किट। यानी कि जब सर्किट इंडक्टिव नेचर का था उस समय जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था उसकी तुलना में जब सर्किट कैपेसिटिव नेचर का है तो इसका डायरेक्शन जो है टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इन फिगर सी, जो तीसरा फिगर जो है उसमें द थर्ड फिगर शोज द रिजोनेंस कंडीशन वेयर द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो थर्ड फिगर है उसमें ये इंज्यूम किया गया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल है। हालांकि जो फिगर ए था उसमें ये इंज्यूम किया गया था कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसका वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, इसलिए उसमें करंट लाइक कर रहा था। जो सेकंड जो फिगर था उसमें ये एज्यूम किया गया था कि जो सर्किट है उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, इसलिए उसमें जो करंट था स्मॉल आई वो लीड कर रहा था। और थर्ड जो केस है उसमें इक्वल माना गया है, इसलिए वो ई के साथ सेम फेज में है, और इसलिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कैपिटल आई और स्मॉल आई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस केस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होगा क्योंकि कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। हेंस अंडर रेजोनेंस कंडीशन टॉर्क एक्टिंग ऑन द मूविंग कॉइल इज जीरो। यानी जब रेजोनेंस का कंडीशन होगा उस केस में मूविंग कॉइल पे टॉर्क नहीं लगेगा, जीरो टॉर्क। नाउ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जो है वो होता है 1/ωc और इज इक्वल टू होता है 1/2πfc इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन फ्रिक्वेंसी। यानी फॉर ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, किसी निश्चित फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस xl जो कि होता है ωl नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मूविंग कॉयल ऑफ द कोर। यानी कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका वैल्यू तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू अगर फिक्स्ड है तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी वैल्यू फिक्स्ड होगा, लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो उसका वैल्यू सिर्फ फ्रिक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है बल्कि मूविंग कॉइल के पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। नियरर द मूविंग कॉइल टू द मैग्नेटाइजिंग कॉइल हायर इज इट्स इंडक्टेंस। यानी कि अगर मूविंग कॉइल जो है वो मैग्नेटाइजिंग कॉइल के अगर नज़दीक, जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा इंडक्टेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। दस फॉर ए गिवन फ्रिक्वेंसी मूविंग कॉइल मूव्स इन सच ए वे टू अचीव ए पोजिशन वेयर xl इज इक्वल टू xc। यानी कि इसलिए जो मूविंग कॉइल है वो इस प्रकार से मूव करता है ताकि वो xl इज इक्वल टू xc के कंडीशन को अचीव करने की कोशिश करता है। यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए इस कंडीशन को वो अचीव करने की कोशिश करता है।
मूविंग कॉयल का मूवमेंट इस प्रकार से होता है एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज अचीव्ड, और इसी कंडीशन को इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहा जाता है। एट दिस पोजिशन टॉर्क ऑन मूविंग कॉयल इज जीरो, और जब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होगा यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा, उस केस में जो टॉर्क है वो जीरो होगा एंड द पॉइंटर इंडिकेट्स द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी, और जो उस केस में पॉइंटर जो है वो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। द डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सच दैट ए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, फॉर ए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी द कॉयल टेक्स ए मीन पोजिशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन इस प्रकार से होता है कि फॉर ए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के लिए जो द कॉयल टेक्स ए मीन पोजिशन, यानी कि कॉयल जो है वो मिडिल में, मिडिल का पोजिशन में रहता है। नॉर्मल फ्रिक्वेंसी के लिए जो कॉयल है वो मिडिल पोजिशन पे रहता है। द कैपेसिटर सी इज चूजन सच दैट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टेक प्लेस एट दिस मीन पोजिशन, यानी कि कैपेसिटर सी का वैल्यू इस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का कंडीशन है वो मीन पोजिशन पर ही हो एंड द पॉइंटर इंडिकेट्स द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, और जो पॉइंटर है उस केस में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के केस में यानी जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा उस केस में डिफ्लेक्शन मिडिल में शो करेगा और वो मिडिल जो है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। इफ फ्रिक्वेंसी इज हायर देन द नॉर्मल वैल्यू, यानी यदि फ्रिक्वेंसी का वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है देन एक्ससी इज इक्वल टू 1/2πfc, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो 1/2πfc डिक्रीज है, यानी फ्रिक्वेंसी का वैल्यू अगर बढ़ गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हेंस एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL मस्ट डिक्रीज इन ऑर्डर टू अचीव द रेजोनेंस, यानी कि चूंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे एक्ससी का वैल्यू कम हो गया इसलिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के कंडीशन को प्राप्त करने के लिए जो एक्सएल का वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा, कम होना चाहेगा। सो मूविंग कॉयल मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेटाइजिंग कॉयल, और एक्सएल का वैल्यू कम होने के लिए मैग्नेटाइजिंग कॉयल से जो मूविंग कॉयल है वो दूर चला जाएगा एंड पॉइंटर मूव्स टू द राइट ऑफ द मीन पोजिशन, और उस केस में फिर जो पॉइंटर है वो मीन पोजिशन से राइट दाएं की तरफ मूव करेगा जो कि हायर फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। इफ फ्रिक्वेंसी इज लोअर देन नॉर्मल वैल्यू, यानी यदि फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से अगर लोअर है, कम है, उस केस में एक्ससी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि जो एक्ससी का वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फ्रिक्वेंसी हमारा कम हो गया है तो उस केस में एक्ससी का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब एक्ससी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो एक्सएल का वैल्यू भी बढ़ना चाहेगा, और एक्सएल का वैल्यू को बढ़ाने के लिए मूविंग कॉयल जो है वो मैग्नेटाइजिंग कॉयल की तरफ चला जाएगा। मैग्नेटाइजिंग कॉयल की तरफ जाने पर वो एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा और तब उस केस में जब मूविंग कॉयल जब मैग्नेटाइजिंग कॉयल की तरफ जाएगा तो द पॉइंटर मूव्स टू द लेफ्ट ऑफ द मीन पोजिशन, और उस केस में पॉइंटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब मूविंग कॉयल जब राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा तो पॉइंटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेकंड टाइप का जो फ्रिक्वेंसी है वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।